हाय एवरीवन, सिड हियर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैरवेल 8 के 8 सीरीज में, और इस सीरीज में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ किस तरह से आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करेंगे, और सबमिट करते अभी हम मेल नहीं भेज रहे हैं। सो इवन मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आप किस तरह से कॉन्टैक्ट फॉर्म में मेल भी सेंड कर सकते हैं और डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हैं। सो आप मेरे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर्म बनाया है। तो आपको ये फॉर्म दिख रहा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, और यहाँ पे हमने पुट किया नेम, ईमेल और मैसेज। सो इस कॉन्टैक्ट फॉर्म में हम क्या करने वाले हैं कि इसे डेटाबेस में स्टोर करेंगे। और किस तरह से स्टोर करेंगे, हम ORM का यूज कर रहे हैं अभी, इलोकेंट ORM जो लैरवेल की तरफ से होता है। और दूसरी चीज, हम इसमें क्या करेंगे, एक टोस्टर जो नोटिफिकेशंस वाला पैकेज होता है, हम उसको इंस्टॉल करेंगे। सो सारी चीजें मैं आपको अभी ओवरव्यू दूंगा। इफ आपको लगता है कि मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो मैं इसके लिए काफी लंबा चौड़ा वीडियो बना दूंगा जिससे आप जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। सबसे पहले आपको ये जो फॉर्म दिख रहा है, आई नो कि बहुत अच्छा तो नहीं है, बिकॉज मेरी इतनी CSS इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। सो आपको दिख रही है, आपको यहाँ पे क्या है कि एक फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। यहाँ पे मैंने पुट किया है नेम, ईमेल और मैसेज, और एक सबमिट बटन। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम जब फॉर्म सबमिट करेंगे, चलिए सबमिट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे दूँ आपको। मैं यहाँ पे गया, नेम सिद्धार्थ शुक्ला, और मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप की, जो कि मेरी सिद्धार्थ शुक्ला, मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, सपोज रैंडम @gmail.com, ठीक है। यहाँ पे मैसेज है टेस्ट। सो मैंने यहाँ पे सबमिट किया। सबमिट करते मेरे पास में एक अलर्ट आया, सक्सेस, वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। सो आप इस तरह से मैसेज को चेक कर सकते हैं, और हम जाके डेटाबेस चेक करते हैं। हमारे डेटाबेस का जो टेबल है उसका नाम कॉन्टैक्ट है। आप देखिए यहाँ पे हमारी जो एंट्री है, सिद्धार्थ शुक्ला और siddharthshukla@gmail.com, मैसेज और अपडेटेड और क्रिएटेड दोनों टाइम चली गई। अब देखेंगे कि हमारी वैल्यू यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर हो रही है, ठीक है। सो ये किस तरह से हो रही है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि आपको ले चलता हूँ राउट पे। सबसे पहले मैं आपको राउट पे ले जाता हूँ, राउट पे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये राउट पे हिट किया, जो कि हमारा राउट है। इफ आप राउट को या कंट्रोलर को या किसी भी चीज को आप ब्रीफ में जाना चाहते हैं, मैंने स्पेसिफिक सबके लिए वीडियो बना रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला किस तरह से फॉर्म काम कर रहा है हमारा, ठीक है। सो मैंने इस राउट पे क्या किया है, एक कंट्रोलर और एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। तो हमारा जो कंट्रोलर है, यहाँ पे नाम है ब्लॉक कंट्रोलर। इस ब्लॉक कंट्रोलर में हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन हमने बनाया जिसका नाम फॉर्म है, तो उस फॉर्म को हम कॉल कर रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म नाम के कंट्रोलर को। तो देखिए, यहाँ पे हमारा फॉर्म नाम का एक सॉरी फंक्शन है। तो फंक्शन में हम एक रिटर्न कर रहे हैं व्यू, और जो ये व्यू है बेसिकली form.blade.php, ये है रिसोर्सेस फोल्डर के अंदर, व्यूज फोल्डर के अंदर, फिर हमारा जो है form.blade.php है, ठीक है। सो इस वाले फॉर्म पे मैंने क्या किया है, बूटस्ट्रैप बेसिकली यूज किया है HTML पे, आप देख सकते हैं। तो आप कहां से इसे देख सकते हैं, मैं आपको वो भी लिंक बता देता हूँ। आप जाइए बूटस्ट्रैप 4 डाल दीजिए, सपोज आप यहाँ पे जो पहली लिंक आएगी, आप यहाँ से इवन W3 स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं, ठीक। गेट स्टार्टेड पे आपको ये फॉर्म मिलेगा बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये जो लिंक दिख रही है, आप इन लिंक को अपने GS वाले पार्ट को फुटर पे रख लो, CSS वाले आप हेडर पे रख लो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो मैंने इसका यूज कर लिया, ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने पिक किया था, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे HTML का फॉर्म लिया। इस फॉर्म में मैंने क्या किया, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, मैं उसका डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपसे, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज कमिंग 2 times, लेट मी रिमूव दिस वन। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारा क्या है, मैंने एक H1 टैग लिया और कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर फॉर्म लिया, और यहाँ पे मैंने फॉर्म को लिखा, ठीक है। सबसे पहले ये CSRF, जब भी आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आप इसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं, बट अभी हमें ऑफ के लिए नहीं बताऊंगा। बेटर प्रैक्टिस होती है कि आप हमेशा CSRF को ऑन रखें। इससे क्या होता है कि जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होता है, तो उस टाइम पे हम एक इनपुट टाइप हिडन फील्ड में टोकन जनरेट करते हैं और यहाँ से पास करते हैं, तो ये लैरवेल ऑटोमेटिकली करता है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये सिंटेक्स ऐड कर देना है, ठीक है। सो हम एक यहाँ पे URL हमारा है, जो कि है ब्लॉग पोस्ट, उस पर हम हिट कर रहे हैं और मेथड हम पोस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमेशा जब भी आप फॉर्म सबमिट करें, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन पास करनी होगी। यहाँ पे नेम में जो भी आप फील्ड है, यहाँ से नेम हो गया, हमने ईमेल लिया है, मैसेज लिया है,
ठीक है। तो यहाँ से जब हम कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट लेंगे तो बेसिकली हमें ये जो है डिफाइन करना होता है, रिक्वेस्ट नेम, रिक्वेस्ट ईमेल, ऐसा हमें डिफाइन करना होगा। ठीक है, सो जब ये फॉर्म सबमिट होगा माइट भी आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो इफ कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ये हमारा क्या कॉल होगा, राउट, ये कहां पे हमारे, हम जाते हैं वेब डॉट पीएचपी पे। तो मैं आता हूँ वेब डॉट पीएचपी पे, सर्च करता हूँ, हमने यहाँ पे पोस्ट नाम से एक राउट क्रिएट कर रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे आएगा पहले वो, फिर इस कंट्रोलर को हिट करेगा और इस फंक्शन को। तो हमारे फंक्शन का नाम क्या है, ब्लॉक पोस्ट। तो मैं आपको ब्लॉक पोस्ट दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक पोस्ट है। तो इस ब्लॉक पोस्ट में हमने क्या किया है, सबसे पहले क्योंकि हम ORM यूज कर रहे हैं तो मैंने क्या किया है, इस कॉन्टेक्ट में कॉन्टेक्ट को बेसिकली मैंने एक मॉडल क्रिएट किया था, उस मॉडल में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आपको नहीं आइडिया कि मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो लिया है। इफ आपको मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूं, आपको लिखना होगा PHP स्पेस आर्टिसन स्पेस मेक कॉलन मॉडल और मॉडल का नाम। तो और हमने यह मॉडल लिया कॉन्टेक्ट, और आपको उसके साथ में टेबल भी क्रिएट करनी है तो स्पेस देकर आप एम कर सकते हैं, माइग्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, सो जैसे ही आप उसको टाइप करेंगे आपकी टेबल भी क्रिएट हो जाएगी। तो अब मैं सॉरी माइग्रेशन की फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो माइग्रेशन की जब फाइल इस तरह से कुछ देखेगी, तो मैंने क्या किया है माइग्रेशन की फाइल में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट किया है जो कि हमारी है नेम, ईमेल, मैसेज, टाइम स्टैम्प, जो कि अभी हमने देखा था। आप ये देखिए हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हम यहाँ बना रहे हैं। फिर जब भी यूजर आके हिट करेगा URL में तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से इसको पास कर रहे हैं वैल्यू को। ठीक है, तो ये वैल्यू जब पास हो रही, सॉरी हमने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किसका, हमारे कॉन्टेक्ट का जो कि हमारा मॉडल है। फिर हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे देखिए हमने जो रिक्वेस्ट आ रही है बेसिकली इस वेरिएबल के थ्रू हमने नेम और ईमेल और ये मैसेज हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसमें ऑब्जेक्ट बना के नेम ईमेल मैसेज को हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये सेव होता है आप देखेंगे ये एक टोस्टर जो हमने यूज किया है जावास्क्रिप्ट का प्लगइन है, यहाँ इसके थ्रू हमारा सक्सेस मैसेज आ रहा है। ये कैसे काम कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्म में ही जाएंगे। ठीक है, तो हम फॉर्म पे आए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। आप देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि पैकेज के लिए यूज होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाली पैकेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आए और हमने देखा। ठीक है, सो यहाँ पे आने के बाद में बेसिकली ये पैकेज की रिपोजिटरी होती है, जिस तरह से लैरावल में पिप होता है यहाँ पे पैकेजिस्ट होती है। तो आप यहाँ से जाके पैकेज की रिपोजिटरी से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो प्लगइन है बेसिकली इसको इंस्टॉल करने के लिए तो आपको कंपोजर की कमांड को रन करना होगा। ठीक है, जैसे आप इस कंपोजर कमांड को रन करेंगे फिर जैसे ही सक्सेसफुली होगी, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो है कॉन्फ़िगरेशन app.php में आपको जाके ये जो है सर्विसेज में ऐड करना होगा। दूसरी लाइन हमारे पास में होती है जो कि हम ऐड करते हैं प्रोवाइडर्स में, तो ये सर्विसेज में और ये प्रोवाइडर्स में आपको ऐड करना होगा। ये किस तरह से ऐड करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाइए, सॉरी कॉन्फ़िग फोल्डर में जाइए, उसके बाद app.php हमारे पास में, जैसा मैंने आपको बताया हमारे पास में दो फाइल्स होती है जिसमें हम ऐड करते हैं, एक तो प्रोवाइडर्स है दूसरा नीचे हमारी एलियाज है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोवाइडर्स में मैंने देखिए यहाँ पे ऐड किया, अभी हमने इसके पहले मैंने PDF के लिए किया था डॉम PDF, तो मैंने PDF का ऐड किया जो कि हमारा अभी टोस्टर वाला है, हम टोस्टर यूज करने जा रहे हैं तो मैंने उसका यहाँ पे ऐड किया। दूसरा जो है PDF करके टोस्टर के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया। तो जब ये दोनों सॉरी प्रोवाइडर्स और एलियाज जो है आपके जैसे ही ऐड होंगे तो उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये ऑप्शनल होता है, आपको चाहिए तो आप यहाँ से इसे रन कर सकते हैं, तो मैंने इसको रन नहीं किया है। फिर इस तरह से इसमें कमांड बेसिक जो होता है क्या क्या काम करता है, इन्फो आप दिखा सकते हैं, सक्सेस दिखा सकते हैं, वार्निंग दिखा सकते हैं, एरर दिखा सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह के जो अलर्ट्स हैं आप उसको शो कर सकते हैं। सो आपको करना क्या होगा, पहला आपको यहाँ पे जो डिफाइन करना होगा, जो भी आपको मैसेज डिफाइन करना है, जो भी अलर्ट दिखाना है, उसके बाद में यहाँ पे आप मतलब सक्सेस दिखाना चाहते हैं, जो भी आपका टाइटल पुट करना चाहते हैं आप यहाँ से पास कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से आप सक्सेस दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे कि हमें जरूरत होती है जब भी हम रिटर्न करते हैं तो ये टोस्टर सक्सेस, यहाँ पे सक्सेस है तो सक्सेस है, यहाँ पे इन्फो है तो इन्फो, या वार्निंग है या इरर है, जैसा भी आपको हो तो आप यहाँ से पास करेंगे। इस तरह से पहले टोस्टर लिखेंगे, इसको रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन अगेन जो आपको मैसेज प्रिंट करना है वो, और यहाँ से हम मैसेज को पास करेंगे। यहाँ पे हमारा मैसेज होगा, फिर उसका यहाँ पे नेम होगा,
तो हम यहाँ से इस तरह से इसे पास कर सकते हैं, फिर उसको हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं। सपोज जिस पेज में आप रिडायरेक्ट करेंगे वो पेज हमारे पास में अभी वेलकम है, तो हम वेलकम पेज पे जाएंगे, ठीक है। सो आपका जो पेज होगा आप वहां जाइए। तो मैं अपने पेज में जा रहा हूँ जो मैंने बनाया था फॉर्म। इस फॉर्म में सबसे पहले क्योंकि मैंने यहाँ पे ये जो फाइल दिख रही है आपको ये बूटस्ट्रैप की है, तो अभी मैंने क्योंकि फॉर्म बनाया तो इस वजह से मैंने ऐड किया। जो इम्पोर्टेंट है बेसिकली आपको ये करनी है, ठीक है, ये आपको ऐड करना ही है। जो आपकी बेस फाइल होगी बेसिकली आप उसमें पुट कर लीजिए, इंटायर वेबसाइट पे काम करेगी। तो अभी मैंने क्या किया यहाँ पे toaster.min.css ये ऐड किया, जो कि बाय डिफॉल्ट मुझे यहां से मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये इनका CDN फाइल है, तो मैंने इसके थ्रू ऐड किया। सेकेंड क्या होता है, आपको जहां पे हमारी बॉडी क्लोज होती है तो ऑलवेज बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि JS की फाइल्स आप पुट करें वहीं पे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आप देखिए दो फाइल है, एक तो jQuery की, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सेकेंड हमारे पास में ये इसका toaster.min.js की फाइल है, दो फाइल हमें ये ऐड करना होगा। तीसरा, क्योंकि हम लेरावेल यूज कर रहे हैं तो लेरावेल में इस तरह के सिंटेक्स होते हैं हम इसके यूज करते हैं, तो मैंने इसको प्रिंट करने के लिए लेरावेल की तरफ से वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेरावेल ने ही डिसाइड किया कि हमें ये पास करना है बेसिकली। ओके, सो यहाँ पे हमें ये सिंटेक्स जो है वो ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। बहुत ही सिंपल है, जैसे ये ऐड हुआ हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। हमारा फॉर्म जा रहा है कहाँ पे जा रहा है, हमारे ORM वाली फंक्शन में जा रहा है। यहाँ पे हम इसके थ्रू toaster को सक्सेस मैसेज दे रहे हैं, रिडायरेक्ट कर रहे हैं। चलिए फिर से देखते हैं ये काम कर रहा है। इसके बाद क्या करना होगा, आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी ये सब होने के बाद, PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है। जैसे ही आप करेंगे आपका पोर्ट नंबर जनरेट होगा, आप यहाँ पे आएंगे इस तरह से ये दिखेगा। लेट मी गो इन URL, मैं URL पे आ गया, ठीक है। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी कोई मैसेज नहीं है, आप देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब क्या होगा, मैं नेम पुट करता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने पुट किया rinku@gmail.com, मैंने मैसेज किया हाय रिंकू, ठीक है। मैं इसको पुट करता हूँ, लुक वी हैव सक्सेसफुली गेट द मैसेज, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून। सो ये हमें सक्सेस मैसेज मिल गया। अब मैं जाता हूँ कॉन्टेक्ट फॉर्म में, जो कि हमारा ये देखिए फाइल में क्या है मेरे पास में, rinku@hirinku, ये मैसेज आ गया। तो इस तरह से आप सबमिट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कुछ भी डाउट हो, कैसी भी कुछ भी प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और प्लीज मत भूलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए चैनल। आपको मैं लेटेस्ट वीडियो हमेशा अपलोड करता रहूंगा और कोशिश करूंगा एक दिन में 2 या 3 वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। कोई भी दिक्कत है आपको, किसी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम हो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।